आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर रीना गांधी फ्रॉम मुंबई। मैं पिछले 12-13 साल से हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रही हूँ और मेरा जो काम है या जो मेरा इंटरेस्ट है वो क्यूरेटिव से ज़्यादा प्रिवेंशन में है, क्योंकि मैं प्रिवेंशन में बिलीव करती हूँ। प्रिवेंशन ईजी है और सब अगर हम प्रिवेंशन फॉलो करते हैं तो हमको ट्रीटमेंट तक के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, जब किसी को कोरोना होता है, कोविड होता है, उसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं ठीक होने के लिए, उसे कहा जाता है क्यूरेटिव, मतलब हम उसको क्योर कर रहे हैं। और कोरोना ना हो, कोविड ना हो, उससे बचने के लिए जो हम मेजर्स लेते हैं उसे कहा जाता है प्रिवेंशन। सो मेरा जो फोटो है वो प्रिवेंशन में है। जो मैंने काम किया है वो एंटी एजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, कैंसर पेशेंट्स, इन सब में है। सो अभी मैं बात करूँगी कि कैंगिन मेरे लाइफ में कैसे आया और मैंने कैंगिन क्यों चूज़ किया। और थर्ड एक एस्पेक्ट मैं शेयर करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स के कैंगिन को लेके क्या व्यू है। तो कैंगिन मेरे लाइफ में कैसे आया, मुझे एक साल पहले मेरी एक फ्रेंड रहती ऑस्ट्रेलिया में, उसने मुझे फ़ोन करके बताया, बिकॉज वो इंजीनियरिंग फील्ड से है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, कि ऐसा ऐसा है और एक मशीन ऐसा ऐसा काम करती है। आई डोंट नो, मेरा रिएक्शन, मैंने हंसा, मतलब जब मैंने फ़ोन किया मैंने बोला ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब मार्केटिंग और बिजनेस करने के लिए सब ऐसा सब बोलते हैं। तो फिर उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जो मेडिकल लैंग्वेज में थे। सो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, कि मुझे ऐसा था कि इसके बेनिफिट्स तो सब कुछ बात करें, इससे ये होता है, इससे वो होता है, बट हर चीज़ का एक नेगेटिव साइड होता है। सो बीइंग अ डॉक्टर, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है बॉडी के बारे में, तो मेरा फोकस नेगेटिव साइड पर था कि पानी पी रहे फ़ायदा हो रहा है, पर इसका नेगेटिव साइड कुछ है, अगर मैं ज़्यादा टाइम भी मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए यूज़ करती हूँ तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स है। तो दिनेश सर ने जैसे बताया कि किसी ने 8 महीने लिए, मैंने भी 6 महीने लिए ये मशीन लेने से पहले। मैंने, मेरा कोविड चल रहा था तो आई वॉन्ट टाइम, मैंने पूरे अपने, मेरे तरफ से जो रिसर्च पेपर थे जो भी थे वो स्टडी किया और इसके बेनिफिट्स और सब जानने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि इसके बेनिफिट्स तो बहुत है, नेगेटिव साइड कुछ नहीं, क्योंकि ये केमिकल फ्री है। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी भी केमिकल के द्वारा नहीं बनाया जाता है पानी। सो ये मैंने अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस किया और मेरा टेस्टिमोनी है कि जैसे बहुत लोगों ने शेयर किया एसिडिटी का, मेरी भी बॉडी एसिडिक है, मेरे एसिड लेवल हमेशा हाई रहते हैं। और जब जिस दिन ये मशीन मेरे घर पे इंस्टॉल हुई थी बॉम्बे में, तब मैं छः टैबलेट्स पे थी, दो मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, मेरा एसिड लेवल इतना ज़्यादा हो गया था, बिकॉज डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे थे गैस्ट्रिक अल्सर। और ये पानी पीने के बाद 1.5 महीने में मैं 0 दवाई पे आ गई। तो जिस कॉन्फिडेंस से मैंने वो मशीन लिया था वो एक सच बन चुका था। एक चीज़ होता है अपना ट्रस्ट, जिस पे ट्रस्ट पढ़ के हम लेते हैं और जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो एज ए डॉक्टर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मानिए तब तक मैंने मेरे फैमिली में किसी को भी नहीं बताया था, अपार्ट फ्रॉम मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरे फैमिली में किसी को पता नहीं था कि मैंने मशीन लिया है। बिकॉज मैं समझती हूँ कि मैं अगर किसी को रिकमेंड कर रही हूँ, एज ए डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड हो। तो बाद में मैंने अपने फैमिली में उसे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। तो ये हुआ कि कैंगिन मेरे लाइफ में कैसे आया और मैंने ये क्यों लिया। जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, हम उसका काफ़ी रिसर्च करते हैं, उसके रिव्यूज़ देखते हैं, और ये तो हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारे फैमिली के लिए। तो मैंने कंपनी के बारे में भी काफ़ी रिसर्च किया कि ये कंपनी 47 ईयर ओल्ड है, बाद में जो प्रोडक्ट है वो वेरी वेल रिसर्च है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसकी लाइफ 20 से 25 साल है, यूज़र फ्रेंडली है, बेनिफिट्स तो सब कुछ आप देख ही रहे, प्रोडक्ट भी बताया है, ये सारे इसके टेक्निकल बेनिफिट्स हैं। और एज ए डॉक्टर जो 3-4 चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं हमारे बॉडी के लिए, सबसे पहली चीज़ है हमें हमारे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ों पर ही हमारे फ्यूल है, इस पर हमारी बॉडी चलती है। सो जब हम कुछ अच्छा खाना, हम सभी प्रीफर, मतलब कोशिश करते हैं हमें और हमारे फैमिली को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन दे सके, ऑर्गेनिक है या मेडिसिन के सप्लीमेंट्स के फॉर्म में है, तो वो न्यूट्रिशन या जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है वो हर एक सेल तक पहुँचे, हर एक ऑर्गन तक पहुँचे, ये फर्स्ट चीज़ है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, जो कि ये पानी करता है। बिकॉज एक पानी माइक्रो क्लस्टर है, ये आपके बॉडी में अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब होता है और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अपने हर एक सेल तक पहुंचाता है। ये हो गया व्हाट यू आर सप्लाइंग टू योर बॉडी। सेकेंडली डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने घर की सफाई करते हैं, हर दिवाली कोना कोना साफ करते हैं, आप एक साल बैठ जाते हो कि मैंने बहुत सफाई कर ली, अभी मैं सीधी सफाई नेक्स्ट ईयर ही करूंगा या करूंगी, क्या आप ऐसा करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपना घर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो कचरा हो रहा है, बहुत सारी चीजें, इसीलिए आप डेली क्लीनिंग करते हैं।
तो हमारी बॉडी भी ऐसी, हम हमारे बॉडी को, आप सो रहे हैं बट बॉडी नहीं सो रही है, ऑर्गन्स नहीं सो रहे हैं, 365/24 बॉडी हार्ट एवरीथिंग इज वर्किंग. तो इस हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है. वो डिटॉक्सिफिकेशन हम जो खाना खाते हैं एनवायरनमेंट से, डेली हमारी जो बॉडी में प्रोसेसेस होती है, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स है, बाय प्रोडक्ट्स है, ये तैयार होते रहते हैं, तो उन्हें बॉडी के बाहर निकालना, बॉडी को साफ करना, उसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं. तो ये डेली डेली करना, एवरी मिनट करना जरूरी है. तो ये सेकंड चीज हो गई, बॉडी से टॉक्सिन्स बाय प्रोडक्ट्स बाहर फेंकना. पहला हो गया न्यूट्रिशन जो हम सप्लाई कर रहे हैं, सेकंड है जो बॉडी से चीजें बाहर फेंकनी है, ये दोनों चीजें हो रही है. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए डॉक्टर मैं बोलूंगी कि जो बॉडी लेके हम आते हैं वो बॉडी को एनवायरनमेंट, जो इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है. सो वो मेंटेन कैसे होता है, जो हम बॉडी की डे टू डे केयर करते हैं उसलिए हाइड्रेशन. अगर हम हमारे आई थिंक विनोद जी की अपनी प्रेजेंटेशन देखी होगी तो वेरी फर्स्ट स्लाइड उसमें हर एक पार्ट में एक परसेंटेज दिया हुआ था पानी का, अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग परसेंटेज होता है, वो हमें मेंटेन करना है. हमें डे टू डे में पता नहीं चलता है कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो कोई मशीन है, सपोज आप जो मशीन चलाते हैं उसमें अगर ऑयलिंग प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, वो मशीन चल पाएगी, कितने दिन चलेगी. सेम वे जो पानी है वो हाइड्रेट करता है, जैसे जॉइंट के बाजू में एक फ्लूइड होता है जो आपके जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, आपको मूवमेंट्स करने देता है. सो ये बहुत जरूरी है. अगर आप पानी पीते हैं, अभी एक रिसेंट रिसर्च में शेयर करना चाहूंगी, अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है और उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल आपको हार्ट का कोई बीमारी आ जाती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसे उतना नुकसान नहीं होता है जितना डिहाइड्रेटेड बॉडी में होता है. ऐसे को अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है और उस टाइम पे अगर आपको कोई हो गया, लाइक ऑल ऑफ सडन अगर आपको कोई फेस करना पड़ता है मेडिकल एलिमेंट, तो उससे आपकी बॉडी को उतना नुकसान नहीं होता है, आपकी बॉडी बच सकती है. सो ये तीन प्रॉपर्टी है इसकी. और देन लास्ट, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और लास्ट में बोलना चाहूंगी जो इसकी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है. जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, अगर वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकाले जा रहे डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू, तो वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और वो मात्रा बढ़ने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं हम लोग. तो उससे बचा जा सकता है अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स कंटिन्यूस आपके बॉडी में ले रहे हो, और वो पानी के थ्रू होता है. मैं ये यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट है या किसी मेडिसिन का रिप्लेसमेंट है, बट ये जरूर है कि ये जो बेसिक फंक्शंस बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है ये पानी से होते हैं, और अगर आप ये पानी डे टू डे लेते हैं तो इट मेक्स अ डिफरेंस. इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनी मेडिकेशन, बट येस यू विल सी द डिफरेंस वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट. एंड लास्ट, बहुत बार पूछा जाता है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें तो मेडिकल का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो हम कैसे जाने की कैसे, तो वट दे डू, प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं और फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं यही पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब मैं ये लूँ या नहीं लूँ, मैं अपने फैमिली के लिए ये यूज मतलब मैंने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो डॉक्टर का क्या जवाब होगा, हाँ या ना, दोनों में से एक होगा. अगर वो डॉक्टर को पता है, उसने प्रेजेंटेशन देखा है, अगर उसे डिटेल में पता है, तो ही वो एक आपको ओपिनियन या सजेशन दे पाएगा. अगर उन्होंने कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी सुनी है, ही इज नॉट श्योर, तो आपको मना करेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है. इस केस में मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप लेना चाहते हैं, आपको लेना है, आपके फैमिली में इंट्रोड्यूस करना है विद योर डॉक्टर सजेशन, तो एक बार डॉक्टर से भी ये इंफॉर्मेशन शेयर करें. जो भी आपका डिसीजन है वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे एज ए डॉक्टर पता चला था, मेरा भी इसके लिए मेरा ओपिनियन एकदम अलग था, पर जब मैंने रिसर्च किया, एक्सपीरियंस किया, तो मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया. सो मेरा आप सबसे सजेशन यही है, बेनिफिट्स है, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपके जो सवाल है, डाउट्स है, आइए क्लियर कीजिए, डिसीजन लीजिए, एंड आपकी हेल्थ, आपके फैमिली की हेल्थ आपके हाथ में.